के बाद बड़ी तरीके से हमको दिखाई दी सारे गाँव में, और जिसमें कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई है या जो विधवा है या जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको गायन देकर उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनसे बात नहीं की जाती है, कुछ भी बुरा हो जाता है तो उनको दोषी ठहराया जाता है। और ये भी बहुत बड़ा किस्म का वायलेंस है जिससे कि महिलाओं को नीचे रखा जाता है। कुछ जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो कन्वेंशनल नोशंस के बाहर होती हैं या जिनको अलग तरीके से देखा जाता है, और उसे बहुत ह्यूमिलिएटिंग वायलेंट प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको गायन करा जिनको दे देते हैं, तो उनको बहुत ह्यूमिलिएटिंग वायलेंट प्रैक्टिसेस के दौर से गुजरना पड़ता है। एक और भी तो जो इंस्टीट्यूशन जो है उनको भी हमने देखा कि इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो एनजीओ हो जैसे कि सेवा है, इनका क्या योगदान है वायलेंस को कम करने में या लोग उनके साथ एंगेज करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें महिला समूह का तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, कई महिलाओं ने बोला कि महिला समूह के साथ एंगेज करते हैं, पर पुलिस पंचायत इन लोगों इन इंस्टीट्यूशन के साथ उनका पॉजिटिव रिश्ता नहीं था। और ये बात हमको संभावना में पता चली कि पुलिस के साथ उनके पुलिस और पंचायत दोनों के ऊपर उनके उनका विश्वास जो है वो कम है। बस मैं एक दो और बातें करूंगी पॉलिसी के बारे में, जैसे उन लोगों की क्या डिमांड थे, उन लोगों ने क्या सुझाव दिए कि जिससे कि उनका थोड़ा सिचुएशन इम्प्रूव हो सके। एक तो एजुकेशन एक्सेस टू हाई स्कूल्स, क्योंकि सर्दियां बहुत खराब है, हाई स्कूल बहुत दूर किसी और गाँव या किसी और जिले में पढ़ती है, ये काफी लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती थी। तो एक तो बेटर कनेक्टिविटी बेटर रोड्स, दूसरा हाई स्कूल्स विद इन द विलेज, तीसरा अवेयरनेस टू एजुकेशन, कई लोगों को क्या योजनाएं चल रही है सरकार की क्या नहीं चल रही है उनका पता ही नहीं था, तो उन्होंने ये भी मांग की होम बेस्ड वर्क की मांग की और कि घर में ज्यादा काम मिल जाए। लास्टली दो तीन चीजें हैं जिसको हम और रिसर्च कर सकते हैं जो हमें इस रिसर्च के दौरान पता चले। एक तो ये है कि एक्सप्लोरिंग इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस काइंड ऑफ वायलेंस, चाहे वो प्राइवेट में वायलेंस हो या पब्लिक में वायलेंस हो, चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो या कास्ट बेस्ड वायलेंस हो, इनमें कुछ इनमें क्या संबंध है उसको जानना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंटरकनेक्टेड ग्रुप कॉजेज हैं वो बहुत सिमिलर हो सकती है। दूसरा है एक्सप्लोरिंग द रोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, एनजीओ है या सरकार है, पोलिटिकल पार्टिसिपेशन, पंचायत, इनका क्या योगदान हो सकता है हिंसा को कम करने के लिए और वुमेन को एम्पावरमेंट कराने के लिए, इसको इस बात को देखना जरूरी है। और लास्टली ये बताने के लिए कि जो व्हाट इज द रोल ऑफ वायलेंस इन मेंटेनिंग सोशल स्टेटस को, वायलेंस का क्या योगदान है कि सत्ता को आगे बढ़ाए, महिलाओं को नीचे करे, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस किस हद तक फैला हुआ है इसको जानना जरूरी है, रिसर्च डिजाइन करना जरूरी है। Thank you.